सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर। देखिए, लोक लिख रही हूँ मैं, सभा आप लिख लीजिएगा, और इसमें लिख रही हूँ राज्य। तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है? बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि उन्हें अंतर ही नहीं पता होता। तो इसमें अंतर में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस जो लोकसभा के बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ और राज्यसभा के बारे में बताने वाली हूँ, तो उनमें से कुछ कीवर्ड्स लेके आप एग्ज़ाम में अपने लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको अलग अलग बताऊँगी मैं। लोकसभा का मतलब, लोकसभा की व्याख्या आपको लोकसभा के बारे में आपको अनुच्छेद 81 में बताया गया है। किस में? अनुच्छेद 81 में। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अनुच्छेद 81 में, ठीक है। और राज्यसभा के बारे में आपको बताया गया है अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 80 में बताया गया है। तो अभी मैं पेन चेंज करके आपको बता देती हूँ। और तो जो लोकसभा होती है उसका जनता चुनाव करती है। सिंपल भाषा में लिख रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए, जनता चुनाव करती है, ठीक है। जनता चुनाव करती है, जो लोकसभा होती है उसकी जनता चुनाव करती है। और जो राज्यसभा होती है उसका कुछ पता ही नहीं रहता कि कब चुनाव हो रहा है। लोकसभा का तो मतलब जैसे पहले 2020 में हुआ था, अब 2024 में होगा मतलब इलेक्शन, पर राज्यसभा का कुछ नहीं पता। राज्यसभा का चुनाव कभी भी हो जाता है। कुछ पता नहीं रहता लोकसभा का, मतलब राज्यसभा का। तो अब हम और भी चीज़ें जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल लगभग 5 साल का होता है। देखिए, जो मैं लिख रही हूँ उसको आपको अपनी कॉपी में मतलब एक जगह लिख लेना है, बिल्कुल ऐसे पार्टीशन करके, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे तो ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं बता पा रही, लेकिन जो मैं एक एक करके पॉइंट लिख रही हूँ वो आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, और एक मिनट, और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल, एक मिनट, उसका कार्य, एक, अरे चल के मेरा, हाँ। तो जो लोकसभा होता है, लोकसभा मतलब राज्यसभा होता है, उसका कार्यकाल लगभग 6 साल का होता है। और जो राज्यसभा होती है वो स्थायी होती है, मतलब उसकी सरकार गिरती नहीं है। और जो जैसे लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें तो वो अस्थाई होती है, ठीक है। तो लोकसभा अस्थाई होती है और राज्यसभा स्थाई होती है। और आप अस्थाई और स्थाई से क्या समझते हैं? अस्थाई मतलब होता है कि लोकसभा की सरकार कभी भी गिर जाती है। अगर वोट कम हो जाते हैं तो सरकार बीच में ही, उसके कार्यकाल के बीच में ही गिर जाती है। और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो वो स्थायी होती है, मतलब वो उसकी सरकार गिरती नहीं है, ठीक है।
तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ तो गाइज, मैं इस जो भी मैं चीज़ें बताई हैं उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि राज्यसभा को ऐसे ही मतलब बोला जाता है कि राज्यसभा सबसे बड़ी सरकार है, पर पावर तो उसके पास ही होती है, लोकसभा के पास पावर जो है वो लोकसभा के पास होती है और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। और जो लोकसभा है वो उसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। सदन और ये जो है वो लोकप्रिय सदन भी नहीं है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोकसभा है उनके मेंबर्स में से ही मतलब प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है और राज्यसभा के मेंबर्स में से पीएम को नहीं चुना जाता। जैसे कि जब नरेंद्र मोदी को चुना गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए तब वो लोकसभा में थे इसलिए ही उन्हें चूज़ किया गया था, अगर वो राज्यसभा में होते तो उन्हें बिल्कुल चूज़ नहीं किया जाता। तो जो लोकसभा होती है उसके बहुमत पर ही जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है। सीधी सी भाषा में लोकसभा के मेंबर्स में से ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो चूज़ किया जाता है। तो गाइस, क्योंकि राज्यसभा के बहुमत पर नहीं पीएम को चूज़ किया जाता है, हाँ तो जब लोकसभा के मेंबर्स में से पीएम को चूज़ किया जाता है जबकि राज्यसभा के मेंबर्स में से पीएम को नहीं चूज़ किया जाता है। तो बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा और फिर से मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ तो जो राज्यसभा है तो उसमें पीएम नहीं चूज़ किया जाता इसलिए उसे एक मिनट लोकसभा को उसमें से पीएम चूज़ किया जाता है इसलिए उसको प्रथम सदन कहते हैं। प्रथम सदन का नहीं पता लेकिन प्रथम कहते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं मतलब फर्स्ट नंबर पे। और जो राज्यसभा है उसको द्वितीय सदन। और अगर लोकसभा में हमें जाना है मतलब लोकसभा का हमें मेंबर बनना है तो कम से कम हमारी आयु अगर हमें लोकसभा में जाना है तो हमारी आयु कम से कम 25 साल की तो होनी चाहिए। और अगर हमें राज्यसभा का मेंबर बनना है, राज्यसभा में जाना है, तो उम्र कम से कम 30 साल के पास तो होनी ही चाहिए। तो गाइज, आपको इतना समझ में आया? आगे बढ़े, अभी जितना भी मैंने आपको समझाया उसको एक पेपर पे कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि आगे वो बहुत काम आने वाला है। तो अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो गाइज, अभी जो ये स्क्रीन का कलर वगैरह चेंज हो रहा है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि लोकसभा में आयु होती है 25 साल और राज्यसभा में होती है 30 साल। तो क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स की आयु 25 साल होनी चाहिए जाने के लिए, तो इसलिए उसको युवाओं का सदन कहा जाता है। मतलब उसमें जो है मतलब टीनेजर्स जाते हैं तो उसको युवाओं का सदन कहा जाता है। और जो राज्यसभा होती है उसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। और जो लोकसभा होती है उसे युवाओं का सदन कहा जाता है।
और राज्यसभा को बूढ़ा का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में ज़्यादा उम्र के लोग जाते हैं और जो राज्यसभा होती है उसके ज़्यादातर मेंबर्स बूढ़े ही होते हैं। और वैसे तो 30 साल मतलब बूढ़ों की एज में, ओल्ड एज में काउंट नहीं होती, पर फिर भी 30 साल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको छोड़ के अब हम नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो अभी मैं इसको मिटा रही हूँ, मतलब पूरे पे पहले लोकसभा समझ लेते हैं। तो अभी हम लोकसभा के अधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। अभी ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब लोकसभा के पहले अधिकारी देख लेते, फिर राज्यसभा के भी देख लेंगे। तो गाइस, जो लोकसभा के अधिकारी होते हैं उन्हें एक मिनट हाँ जो लोकसभा के अधिकारी होते हैं उन्हें हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। मतलब जो अध्यक्ष होता है वो थोड़ा छोटा अधिकारी होता है और उपाध्यक्ष उससे बड़ा होता है। तो अब राज्यसभा के अधिकारी देख लेते हैं हम लोग। इधर ही नीचे मैं राज्यसभा लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो जो जो अभी मैं लिख रही हूँ वो सब आपको नोट करना है क्योंकि जो भी अभी मैं आपको बता रही हूँ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अब राज्यसभा के अधिकारियों के बारे में मैं बता देती हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है हो रहा है लेकिन मैं मतलब बोल के भी बता रही हूँ, तो आप डिक्टेट मतलब मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ तो आप उससे भी लिख सकते हो। तो राज्यसभा के अधिकारी होते हैं सभापति इस यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं मतलब पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, बस डिक्टेट कर रही हूँ पर मैं, तो आप लिख सकते हो। तो अधिकारी होते हैं उसके सभापति और उपसभापति। एक मिनट, मैं आपको पूरी स्पेलिंग भी लिख के दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सभापति की अभी मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ स्पेलिंग। इस बॉक्स के अंदर मैं आपको सभापति और उपसभापति की स्पेलिंग लिख के दिखा रही हूँ पर्पल कलर से। एक मिनट, तो ये है सभापति, ये है सभापति की स्पेलिंग और उपसभापति की भी यही है, मतलब सभापति के आगे उप लगा दो ऐसे। फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, तो ये हो गया हमारा उपसभापति। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आगे बढ़े। चलो कॉपी कर लो, सब कर लिया अब, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और क्या क्या है इन सब में। तो गाइस, अभी मैं बता रही हूँ आपको कि लोकसभा में एक मिनट हाँ तो लोकसभा में मतलब कितने मेंबर्स शामिल हो सकते हैं, और राज्यसभा के बारे में भी बताऊँगी मैं कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स शामिल हो सकते हैं और कितने वर्तमान में हैं। तो पहले मैं मैक्स मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स वो बता देती हूँ, और फिर
मतलब प्रेजेंट में कितने हैं वो भी बता देते हैं। तो प्रेजेंट में कित और राज्यसभा का भी मैं अभी आपको बता दूंगी, इसमें मैक्स कितने हैं और तो और प्रेजेंट कितने हैं। अभी जो भी मैं लिखती जा रही हूँ आप एक एक पार्टीशन लोकसभा और राज्यसभा का बना के ये सब लिख लीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करें। तो अब मैं बता देती हूँ, तो जो मतलब तो जो लोकसभा होती है उसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स शामिल हो सकते हैं, और प्रेजेंट में उसमें 550 है, नहीं, 545 है। अगर आपको मुझ पे शक हो रहा है ना तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो लोकसभा में मैक्स मेंबर 552 है और प्रेजेंट में 545 है। तो अब राज्यसभा का देख लेते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम लगभग 250 मेंबर है, लेकिन प्रेजेंट में उसमें 245 है। तो अब राज्यसभा का मैं नहीं, राज्यसभा का तो मुझे नहीं पता कि 5 सीटें क्यों नहीं है, मतलब और 5 लोग क्यों नहीं है उसमें, 245 क्यों है, 250 क्यों नहीं है। लेकिन लोकसभा का मैं आपको बता सकती हूँ, 1 मिनट। तो गाइस अब वो क्यों है 552 में से 545 मेंबर, तो वो 7 सीट्स क्यों नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मतलब इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जब मैं चार्ट बना के आपको आपको अच्छे से सब कुछ समझाऊंगी तो तब आपको बताऊंगी मैं। तो अब हम आगे चीज़ पढ़ते हैं। तो लोकसभा होती है उसमें मनोनीत किया जाता है, 1 मिनट, मनोनीत की स्पेलिंग भी मैंने यहाँ पे लिख दी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मनोनीत मतलब, मनोनीत से आप क्या समझते हैं, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। अब नॉमिनेटेड से आप क्या समझते हैं, 1 मिनट मैं बॉक्स बना देती हूँ इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस बॉक्स में आपको बता रही हूँ थोड़ा, अरे यार, तो कोई बात नहीं है, मैं वापस से बॉक्स बना के आपको समझा देती हूँ सारा। हाँ तो इस बॉक्स में आपको बता देती हूँ कि नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है आखिर। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड, पर सीधी भाषा में नॉमिनेटेड को क्या कहते हैं। तो नॉमिनेटेड का मतलब वो होता है जैसे कोई बड़ा अधिकारी है तो वो किसी मतलब अपनी मर्जी से किसी को भी चूज़ करके, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कोई कलेक्टर है तो अगर कलेक्टर नहीं, कलेक्टर का नहीं, मैं आपको लोकसभा में से किसी का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। लोकसभा में कौन मनोनीत कर सकता है, सिर्फ PM कर सकता है। तो PM नॉमिनेट करता है, मतलब PM चूज़ करता है पूरे देश भर में से, मतलब मैं सीधी भाषा में समझा देती हूँ कि सिर्फ PM ही चूज़ कर सकता है कि पूरे इंडिया में से कौन बनेगा, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। तो जो 545 होते हैं ना मेंबर, 1 मिनट, हाँ, तो जो 545 मेंबर होते हैं ना उनमें से 543 तो मतलब इलेक्शन होता है, तो उनमें से वो जो भी जीतता है वोट मतलब सबको, इलेक्शन होता है ना तो वोट्स मिलते हैं उन्हें, और जो भी जीतता है वो आ जाता है लोकसभा में। पर जो बाकी के 2 मेंबर्स है ना, मतलब 543 तो पूरे देश भर में से चुने जाते हैं, और जो 2 लोग बचते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है वो आगे मैं समझाऊंगी। तो मनोनीत का मतलब सीधी भाषा में ये हो गया कि जो 545 मेंबर्स हैं उनमें से 543 तो इलेक्ट
मतलब इलेक्शन होता है तो उनमें से चूज़ कर लिए जाते हैं। बाकी जो दो मेंबर्स बचते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर चूज़ करता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो किसी को भी बना सकता है लोकसभा का मेंबर। तो वो जो दो लोग होते हैं वो सिर्फ एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है वो आपको बाद में समझाऊंगी, पर बाद मतलब एंग्लो इंडियन क्या होता है वो मैं आपको अभी जो चार्ट बनाऊंगी उसमें समझा दूंगी। लेकिन बाकी का हम समझ लेते हैं कि राज्यसभा में कितने लोग नॉमिनेट होते हैं और वो कौन से लोग होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि वो नॉमिनेट हो जाते हैं। तो अब राज्यसभा का थोड़ा समझ लेते हैं हम। अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो अब राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मुझे शायद राज्यसभा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ जाओगे, पर अभी मैंने लिख दिया है। तो अब मैं राज्यसभा के बारे में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो अब राज्यसभा की जब बात आती है तो राज्यसभा में हम समझते हैं कि कितने मेंबर आखिर नॉमिनेट हुए। अब नॉमिनेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उस कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो राज्यसभा में ये सवाल आता है कि नॉमिनेट आखिर कितने मेंबर होते हैं, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। धीरे धीरे करके आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो अब नॉमिनेट कितने मेंबर होते हैं अब मैं बता देती हूँ आपको। तो जो नॉमिनेट का मतलब वही होता है जो प्रधानमंत्री चूज़ करता है। अब आगे बताती हूँ मैं आपको। अब प्रधानमंत्री मनोनीत का मतलब ही होता है नॉमिनेट। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो टोटल एक मिनट प्रधानमंत्री जो होता है वो टोटल 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। बाकी लोगों की छोड़ो, मैं नॉमिनेटेड की बता देती हूँ। नॉमिनेट जो होते हैं 12 लोग होते हैं। अब वो कौन से 12 लोग होते हैं, लोकसभा में तो दो लोग होते हैं और वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन के बारे में अभी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो जो 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं उनको किसके बेस पर नॉमिनेट किया जाता है, तो वो होता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब तो आपको पता ही होगा, विज्ञान होता है और कला होती है और समाज सेवा होती है। समाज सेवा, तो इन तीन चीज़ों के बेस पर जो है राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब जो मैंने दो चीज़ें छोड़ दी थी वो पहले आपको समझा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझ रहे हैं तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो गाइस देखिए मैंने क्या चीज़ छोड़ी थी। तो गाइस हमने ये देखा था कि मैक्स मेंबर जो कि लोकसभा में शामिल हो सकते हैं वो होते हैं 252, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो सिर्फ 245 है। अब बाकी सिक्के जो 7 लोग हैं वो कहाँ गए, उनको भी तो मतलब इलेक्शन हो के उन्हें भी तो चूज़ कर लिया जाना चाहिए था ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है आखिर। तो जब 1948 था शायद 1948 के आसपास जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, अब ये पीओके 5 मेंबर मतलब 7 मेंबर मतलब जितने भी बचे हैं अभी, पीओके मतलब पार्ट ऑफ कश्मीर था इसका फुल फॉर्म, सही फुल फॉर्म नहीं पता, पर आप
जो मेंबर्स बचे हैं ना उनके बारे में समझ लूँ। तो पहले मैं इंडिया का थोड़ा नक्शा जितना मुझे आता है उतना बना लेती हूँ। अभी मुझे अच्छे से नहीं आता है तो अभी आप इसी से समझ लीजिए। तो पहले जो कश्मीर था ना उसको पाकिस्तान ने मतलब ले लिया था, कब्जा कर लिया था इतने पार्ट पे, नहीं नहीं इतने पार्ट पे, हाँ। तो इसकी वजह से मतलब जो हमारे कश्मीर से जो लोग जब चुने जाने थे ना तो उन मेंबर्स को छोड़ दिया है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बने तो उसके अंदर ये ऊर्जा जागे कि हमें हमारा कश्मीर वापस चाहिए। तो इसलिए ऐसे 5 सीटों को खाली रखा जाता है कि जिससे कोई प्रधानमंत्री जब नया है तो उसमें ऊर्जा जागे कि नहीं हमें हमारा कश्मीर चाहिए, और जो 5 और जो सीटें बची हैं वो भी उनमें भी लोगों को बैठना चाहिए। तो इसी वजह से कुछ मेंबर्स की सीट जो है लोकसभा में खाली रखी जाती है। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और मैंने एक और चीज़ छोड़ी थी आपको याद है तो, जो कि था एंग्लो इंडियन। आखिर क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन वो होता है, एक मिनट, एंग्लो इंडियन वो चीज़ होती है जैसे जब पहले हमारा मतलब कुछ फॉरेनर्स थे, उन यूरोपियंस जो लोग थे यूरोप कॉन्टिनेंट के, तो उन्होंने ना जैसे एक आदमी था जिसने मतलब इंडिया की खोज की थी, तो इंडिया तो पहले से ही था पर यूरोप के लोगों को पता नहीं था। तो वो आदमी कौन था, उसका नाम नहीं पता मुझे, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। तो वो जो आदमी था ना उसने ना इंडिया की खोज की थी, जो जब वो इंडिया में आया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे से लोगों का सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव मतलब मेहमानों का बहुत अच्छे स्वागत किया जाता है। तो जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अपने देश वापस जाकर सबको ये बताया। अब धीरे धीरे करके सब लोग यहीं पे सेटल होने लगे, यूरोप के सारे लोग यहीं पे आने लगे। तो उसी की वजह से भारत पे कब्ज़ा किया था ब्रिटिशर्स ने। तो जब अब पॉइंट पे आते हैं हम, तो जब वो लोग यहाँ पे आए थे तब वो ना जब रहे थे यहाँ पे, फिर जब वो जा रहे थे तब वो ना अपनी अपनी वाइफ्स को और बच्चों को यहीं पे छोड़ गए थे, वो अकेले ही वहाँ पे चले गए थे। तो फिर अब जो यहाँ पे लोग रह गए थे और उनके बच्चे वगैरह, तो उन लोगों में से ही 2 एंग्लो इंडियन मतलब यूरोप देश से जो लोग आए थे उन्हीं को मतलब चूज़ किया जाता है। वैसे तो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन जैसे कोई किसी व्यक्ति को ले लो तो उसके एंसेस्टर्स यूरोपियंस हैं, मतलब यूरोप से जो आए थे यहाँ पे और यहीं पे रह गए, तो वो है। तो अब जो उसके एंसेस्टर्स थे वो तो मर गए, तो इसलिए उसी व्यक्ति को एंग्लो इंडियन चूज़ करके नॉमिनेट किया जाता है। अगर आपको मैं जो बता रही हूँ उसमें कुछ भी गलत लगे, मतलब कुछ भी समझ या नहीं आए, या फिर मैं आपको लगता है कि ये बात गलत बोली है ये नहीं होता, तो आप मुझे भी समझा सकते हो। पर जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ लेते हैं, एंग्लो इंडियन और नॉमिनेटेड वगैरह, और जो सीट्स खाली रहती है वो तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैं लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि, तो गाइस अभी मैं कुछ चीज़ें बस आपको बताना चाहूँगी लोकसभा के बारे में, जो कि थोड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो उतना ज्ञान भी आपको
मिल जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि लोकसभा में मैक्स कितने लोग शामिल हो सकते हैं? यस 552। और क्या, अभी आपने पढ़ा तो था। और प्रेजेंट में कितने हैं ये बताओ? हाँ प्रेजेंट में है 545। तो मैक्स, तो लोकसभा में कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं? 552। तो ये उसके बारे में तो हम सब ने बात कर ही ली थी। तो उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी प्रेजेंट को हटा देते हैं, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं पहले। तो जो 552 लोग होते हैं, तो उनमें से कम 530 का शायद चुनाव होता है। हाँ 530 का चुनाव होता है, मतलब राज्यों में से। और जो 20 लोग हैं उनको यूनियन टेरिटरी में से चूज किया जाता है। अब जो 2 लोग हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अभी एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने आपको बताया था। और जो 2 लोग होते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये टोटल हो गया कि कितने होती है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अब वर्तमान के बारे में भी ज़रा पढ़ लिया जाए, क्योंकि अब जो प्रेजेंट में वही तो ज़्यादा काम आने वाला है हमारे। वर्तमान के बारे में बात कर ही लेते हैं, एक मिनट में कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझा देती हूँ। वर्तमान छोड़ो, प्रेजेंट ही लिख देती हूँ मैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 545। तो अब जो 545 मेंबर हैं, उन वैसे तो उनका इलेक्शन ही होता है उसमें से। एक मिनट, हाँ अब उनमें से 530 तो मतलब राज्य में से किए जाते हैं। राज्यों में से जो लोग मतलब इलेक्शन होता है जिन लोगों का, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। मतलब मैक्स में भी, मैक्सिमम में भी और प्रेजेंट में भी 530 चूज़ किए जाते हैं राज्यों में से। और प्रेजेंट में 30 लोग यूनियन टेरिटरी में से चूज़ किए जाते हैं, और एंग्लो इंडियन तो 2 ही रहते हैं। अभी पूरा नहीं लिख पा रही मैं, एक मिनट। इधर लिख देती हूँ मैं ज़रा, ठीक है। हाँ तो एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2। तो इतना हमने पूरा जो है समझ लिया है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी मैं। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो राज्यपाल वगैरह के, राज्यपाल और मतलब और भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।